गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। पार्ट चार जिसका नाम है हाय ए आग। धर्मचंद्र का घर एक घनी बस्ती में था। पास में ही उसका विद्यालय था। वह प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने जाया करता था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। वह विद्यालय से आकर थोड़ा खेलता, फिर पढ़ने बैठ जाता था। धर्मचंद्र के विद्यालय से लगी हुई एक झुग्गी बस्ती थी। झुग्गियों में रहने वाले मजदूर लोग थे। वे दिन निकलते ही अपने अपने कामों पर निकल जाते थे और शाम को घर लौटते थे। दिन में उनके छोटे छोटे बच्चे ही झुग्गियों में रह जाते थे। आज विद्यालय में ही धर्मचंद्र खेलते खेलते बहुत थक गया था। उसने सोचा, खाना खाकर कुछ देर आराम करूंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा। धर्मचंद थका तो था ही। जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसे कुछ लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठ बैठा। सचमुच लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, आग 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 आग, पड़ोस की झुग्गी बस्ती में आग लग गई है। धर्मचंद भागा भागा बाहर आया। उसने इधर उधर देखा, लोग उस ओर भागे जा रहे थे जिस ओर से काला धुआं उठ रहा था। धर्मचंद भी उधर की ओर ही दौड़ पड़ा। आग से कई झुग्गी झोपड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। कुछ झोपड़ियां जल रही थी और कुछ की ओर आग तेजी से बढ़ रही थी। धर्मचंद को लग रहा था कि यदि आग को बढ़ने से ना रोका गया तो वह सारी झुग्गी बस्ती को ही जलाकर भस्म कर देगी, साथ ही वह उसके विद्यालय को भी अपनी चपेट में ले लेगी। धर्मचंद सोच रहा था कि आग को बढ़ने से कैसे रोका जाए। तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर आग को जलाने के लिए कोई वस्तु ही ना मिलेगी तो आग फैलेगी कैसे। बस फिर क्या था, आग जिस दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ रही थी उसने उस दिशा की झुग्गियों के ऊपर छत के रूप में लगी प्लास्टिक की पन्नियों और लकड़ियों को उनके ऊपर से उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि आग को बढ़ने से रोकने का यही एकमात्र उपाय है। सभी लोग इस कार्य में उसका हाथ बटाने लगे। देखते ही देखते दूर तक झुग्गियों की प्लास्टिक की छत उतर चुकी थी। अब धर्मचंद उस ओर दौड़ा जिस ओर आग लपलपा रही थी। उसने देखा कि एक झुग्गी से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। झुग्गी का दरवाजा बाहर से बंद था। आग दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। दरवाजा खोलकर बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल था। धर्मचंद ने पास में पड़े एक बांस को उठाया और थोड़ा पीछे को हटकर बांस के सहारे झुग्गी पर छलांग लगा दी। झुग्गी पर गिरते ही उसकी प्लास्टिक की पन्नी से बनी छत फटकर नीचे को लटक गई। धर्मचंद झुग्गी के अंदर पहुंच गया। उसने फुर्ती से झुग्गी में बंद दोनों बच्चों को उठाकर झुग्गी के पीछे फेंक दिया। बिजली की गति से उसने फिर से उसी बांस को उठाकर झुग्गी के पीछे की दीवार पर छलांग लगा दी। अगले ही पल वह झुग्गी के बाहर आ गिरा। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया और उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। आग को जलने के लिए जब आगे कोई वस्तु ना मिली तो आग को अपने कदम रोकने ही पड़े। अब लोगों ने झुग्गियों में जलती हुई वस्तुओं को पानी डालकर बुझाना शुरू कर दिया। अब तक सूचना पाकर आग बुझाने वाली गाड़ी भी सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गई थी। आग बुझाने वाली गाड़ी के साथ आए फायर ब्रिगेड के लोगों ने शीघ्र ही पानी की तेज बौछार डालकर आग को पूरी तरह से बुझा दिया। सब और धर्मचंद के साहस और सूझबूझ की चर्चा हो रही थी। धर्मचंद को इस बात से बड़ा संतोष था कि उसने कितनी ही झुग्गियों और उनके भीतर रखे लोगों के सामान को जलने से बचा लिया। उसका विद्यालय भी आग की चपेट में आने से बच गया। तो सभी स्टूडेंट्स, हमने ये पाठ पढ़ा। इस पाठ में पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिली? तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपदा अर्थात मुसीबत के समय धैर्य और बुद्धि से हमें काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पीरियड में हम फिर मिलेंगे। बाय।